नमस्कार, सुप्रभात सभी छात्रों को। आज हम लेके आए हैं रोल ऑफ NVPGR। NVPGR का हमारे जीवन में, सामाजिक और देश में क्या रोल है, तो बताना चाहूँगा। NVPGR का पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये ICAR के अंदर में काम करता है और इसका मुख्य काम है कि जितने हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, वो चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे सीरियल्स हों, चाहे दलहनी हो, पल्सेज हो, जितने भी तरह के क्रॉप कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, उन सभी के जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना और उनको उन्नत किस्म की वैरायटी में बदलना, इसका मुख्य कार्य है। यानी कि पूरा जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करने का काम NVPGR करता है। इसके देश में अलग अलग सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर कंट्री का और दूसरे देशों का भी जर्म प्लाज्म स्टोर रहता है। ये इसका मेन कार्य है। अब इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये रोल इसलिए है कि सपोज करिए कहीं किसी कंट्री में अगर युद्ध हो जाता है और वहाँ की वेजिटेशन नष्ट हो जाती, क्रॉप प्लांट नष्ट हो जाते हैं, तो उसके जो यहाँ प्रिजर्व जर्म प्लाज्म रखा हुआ है, इसको अब वो जर्म प्लाज्म सीड के फार्म में हो सकता है, टिश्यू कल्चर्ड एम्ब्रियो के फार्म में हो सकता है, प्लांट के फार्म में हो सकता है, या राइजोम के फार्म में हो सकता है। डिफरेंट टाइप आप है जिससे प्लांट हमारा जनरेट हो जाए, उस फार्म में रहता है। और इसका एक नेटवर्क बना रहता है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, इसमें जीन बैंक से लेकर सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, हर तरीके का प्रिजर्वेशन यहाँ पर किया जाता है। NVPGR का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो दिल्ली में बना हुआ है, पूसा कैंपस में बना हुआ है, उसके अब भवाली, अकोला, उड़ीसा, इस तरीके से बहुत सारे रीजनल सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर उस रीजन में पाए जाने वाले जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उन सबको प्रिजर्व किया जाता है। द नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक इन एक्टिविटीज ऑफ प्लांट प्रोडक्शन एंड जर्म प्लाज्म एगुमेंटेशन फॉर द यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट वॉज फेल्ट एज 1935 बाय द क्रॉप एंड सॉइल विंग द देन बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि 1935 के दौरान बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में एक विंग होती थी, क्रॉप एंड सॉइल विंग, उसके अंडर में ये काम चलता था। उसका काम क्या था, जो नए प्लांट आए उनकी स्टडी करना और जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करने का काम करते थे। नीड रिटायर्ड इन अ मीटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 1941 डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्रॉप्स। 1941 में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की मीटिंग होती है जो न्यू सोसाइटी थी, और वो यहाँ तय होता है कि इसके लिए एक अलग, जो हमारे इकोनॉमिक क्रॉप प्लांट्स हैं उनके लिए एक अलग संस्थान होने चाहिए जो उन पर काम कर सके। डॉक्टर बीपी पाल वर्किंग एट AIARI एप्रोसिएटेड द देन इम्पीरियल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू सेट अप यूनिट फॉर असेंबल ग्लोबल जर्म प्लाज्म अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो उसी समय जो पाल हमारा ICARI है, ये पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च हुआ करता था, जो बाद में आजादी के बाद ICAR हो गया। तो वहां पर उस समय पूसा जो हमारा वर्तमान सेंटर है जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहीं पर डॉक्टर बीपी पाल साहब काम कर रहे थे, जिस काम को देख रहे थे, स्टोर काम कर रहे थे। द ICAR स्कीम प्लांट प्रोडक्शन कमीशन फंक्शनिंग 1946 इन द बॉटनी डिवीजन ऑफ ARI द लीडरशिप ऑफ लेट डॉक्टर हरभजन सिंह एंड फर्स्ट ऑपरेशनल सेक्स। उसी समय क्या था कि 1946 में प्लांट प्रोडक्शन कमीशन कार्य में आया या प्रभाव में आया,
और उसने जो हमारा पूसा है, ARI है, उसके बॉटनी डिवीजन के अंडर में, यानी कि जो उसके लीडर थे, जो हेड रहे थे, डॉक्टर हरभजन सिंह फाउंडर रहे थे, वो उसके पहले ऑपरेशनल साइंटिस्ट थे। बॉटनी डिपार्टमेंट के अंडर में आया था ये डिवीजन। द यूनिट वाज फर्दर एक्सपेंडेड एंड स्टेग्नेंट एट प्लांट प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉटनी डिवीजन 1956 एंड लेटर डेवलप्ड सेपरेट डिवीजन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन इन AIARI इन 1961। और पहले इसमें इन्होंने जब बॉटनी डिपार्टमेंट के अंडर में आया था तो इसमें एक्सटेंथ हुआ और प्लांट प्रोडक्शन का एक्सप्लोरेशन हुआ, खूब वृद्धि हुई, विकसित हुआ और फेमस हुआ। और 1956 के बाद 1961 में IARI में एक अलग डिवीजन डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम रखा गया डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। सब्सिक्वेंसली ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1970, डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन वाज अपग्रेडेड एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक इंट्रोडक्शन इन अगस्त 1976 वाज डिस्कंस्ट्रक्टेड एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन जनवरी 1977। और एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होती है 1970 में, उसके बाद जो डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन है इसको अपग्रेड किया जाता है और अपग्रेड करने के बाद इसका नाम रखा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन अगस्त 1976 में, और उसके बाद इसका नाम 1970 में रख दिया जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, यानी कि राष्ट्रीय ब्यूरो पादप अनुवांशिकी स्रोत रखा गया था इसका नाम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो कंसर्न्ड विद द एडवेंट टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाज रिस्पॉन्स टू द रियलाइजेशन ऑफ रिसीव्ड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रो बायोडायवर्सिटी। और उसी समय हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था जिसमें ब्यूरो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फर्दर इट वाज अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल ब्यूरो बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। और उसी समय 1974 में रोम में IBPGR का स्थापित किया गया और उसका नाम रखा गया इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो जो NBPGR है बेसिकली इसका इंटरनेशनली भी कनेक्शन रहता है, हम बताएंगे आगे बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में। तो जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें दूसरे देशों से बहुत सारे सीड्स के जर्म प्लाज्म को ला के उस क्रॉस करके नए सीड को तैयार किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उस समय भी रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका। द NBPGR प्लेड अ वाइटल रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप प्लांट्स डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया थ्रू जर्म प्लाज्म इंट्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन फॉरन कंट्रीज एंड जर्म प्लाज्म कलेक्शन फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड कंजर्वेशन देयर ऑफ। द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैज इट इज हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली लोकेटेड इन लेटीट्यूड ऑफ 280-35 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड ऑफ 70-180 एट एल्टीट्यूड ऑफ 226 एट मीन सी लेवल। तो ये वहाँ पर स्थित है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। द ब्यूरो ड्रा गाइडलाइन फ्रॉम द क्रॉप साइंस डिवीजन ऑफ ICARI, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च काउंसिल, जर्म प्लाज्म एडवाइजरी कमेटी। तो इतनी चीज़ें जो है जो ब्यूरो है उसके लिए गाइडलाइन इंस्टीट्यूट तैयार करता है इन सभी के लिए। ब्यूरो है फाइव डिवीजन, ब्यूरो में फाइव डिवीजन्स हैं, थ्री यूनिट्स एक्सपेरिमेंटल फार्म एट द हेडक्वार्टर, इनमें से तीन जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल फार्म में काम करते हैं न्यू दिल्ली में, और 10 रीजनल स्टेशन लोकेटेड इन डिफरेंट फाइटोग्राफिकल जोन्स। 10 डिफरेंट जो हमारे यहाँ जो हमने बताए थे रीजनल स्टेशन डेवलप किए गए थे, बेस्ड एंड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च नेटवर्क प्रोजेक्ट अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स लोकेटेड इन ब्यूरो। जो एक नेटवर्क बना के काम करते हैं पूरा ऑल इंडिया, ये सभी रीजनल स्टेशन है और वहाँ जो रीजनल क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर करते हैं। इसका मैंडेट क्या है, उद्देश्य क्या है?
टू फाइंड आउट न्यू प्लांट रिसोर्स फॉर फूड फोडर फ्यूल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल यूज। इसे हमने बताया था कि ये क्रॉप प्लांट्स पर यानी कल्टीवेटेड प्लांट्स पर काम करता है। तो क्या होता है कि बहुत समय तक हमें प्लांट्स की हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, फूड की, फोडर की, फ्यूल की, तो हमें बहुत सारे प्लांट्स अभी नोन नहीं हैं, तो नए नए प्लांट्स नई नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत, जैसे कि फूडर तो पहले से चल रहा था, लेकिन फ्यूल और एनर्जी के लिए नए प्लांट को डिस्कवर किया गया, उन पर काम किया गया, पता लगाया गया कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई डेवलप सुपीरियर जीनोटाइप फॉर द डिफरेंट एग्रोक्लाइमेट रीजन्स द स्टैंडर्डाइज द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स। तो ये सभी काम जो है वो इसके मैंडेट में शामिल है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहला जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं CSK, HBPK पालमपुर, CHEFU FSC राजौरी, PAU लुधियाना, CCS हिसार, SKRU मंदौर, NDUANT फैजाबाद, BAU रांची, SDAU SK नगर, MPKB राजौरी राउरी, IGKB अंबिकापुर, OU8AT भावेशनर, USA बंगलौर, TNAU मित्तु पेल्लम। ये इंस्टीट्यूट हैं जो यूनिवर्सिटीज उसके साथ कोऑपरेट करती हैं। कोऑपरेशन में सेंटर हमारे हैं भोपाली, जोधपुर, अंकोला, शिलोंग, शिमला, ये काम करते हैं। उनके साथ वॉलंटियर भी काम करते हैं NBRI लखनऊ, ICR नेहू शिलोंग, विकास अल्मोड़ा, CSK शिलोंग, UBKB कोबिचूर। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो NBPGR के साथ कोलोबोरेशन में नेटवर्क में काम करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैन पावर्स इनके साथ में ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम होता रहता है। अब क्रॉप मैंडेट्स क्या है, बहुत सारे उनका फूड क्रॉप्स, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ग्रेन अमरंथस जिसे हम चौलाई कहते हैं, तो अमरंथस पर काम चल रहा है। अमरंथस हमारा पुराना फूड ग्रेन्स है जिससे हम बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव है और जिससे हमारी बहुत सारी डिजीज भी कंट्रोल करी जाती है। बकबीट फैगोपायरम एस्कुलेंटम जिसे हम कूटू कहते हैं, ये भी हमारा पुराना अनाज है। चीनोपोडियम बथुआ, क्वैक्स लैक्रेमा जूबी, ये हमारे पुराने सीरियल्स हैं, लेकिन ये सीरियल्स में इनको अलग रखा गया सीडियो सीरियल्स में, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारे सीरियल वर्तमान समय में पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन और पोएसी फैमिली के प्लांट्स में पाए जाने वाले सीड का केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होता है, इसलिए इनको सीडो सीरियल्स की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद हमारा बी आता है फूड लेगूम्स, राइस बीन, अर्जुकी बीन, फाइबा बीन, विंग्ड बीन, ये सभी जो हमारी है प्रोटीन की पूर्ति पल्सिड में आती हैं। वेजाना अम्बिलेटा, वेजाना एंगुलेरिस, वेजाना फोबा, फ्यूजो फोर कार्पस, पिंटोविल, ये हमारी दालों में काम आते हैं। ऑयल सीड में परलिया, वेजिटेबल में कनकोडा, मोबोर्डिका, तो ये सब हमारे जो हैं नई नई वैरायटी हैं, ये हमारी देसी वैरायटी है और इनसे हाइब्रिड वैरायटी तैयार की जाती है। फोडर के रूप में हम अमरेंथस का प्रयोग करते हैं, एट्रिपलेक्स का प्रयोग करते हैं, ट्री का प्रयोग करते हैं। एनर्जी जो हमारा नया सेक्टर है, जो हमारी ज़रूरत है, इस समय आने वाले समय में डीजल पेट्रोल और जो हमारा फॉसिल फ्यूल है समाप्त होने की संभावना है, इसलिए हमें नए नए एनर्जी के स्रोत तलाशने पड़ रहे हैं। तो उसमें कुछ प्लांट भी हैं जो हमारे एनर्जी स्रोतों को पूरा करने के लिए, पेट्रोलियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें है जोजूबा, गुयाल, जट्रोफा, थुम्बा, पैराडाइस ट्री। तो जोजूबा को कहते हैं साइमोंडेसिया चारेंसिस, पार्थेनियम आर्जिनेटम, जट्रोफा कर्कस, सिट्रस कोलिटाइटिस, साइमारूबा ग्लूका, परलिया फ्रूटिकेंस। तो ये सभी प्लांट जो हैं विशेष प्रकार का तेल प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑयल इनके सीड से मिलता है और उसका केमिकल कंपोजिशन और पेट्रोलियम के केमिकल के समान होता है।
तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, इसकी जगह पर हम इस फ्यूल को भी प्रोसेस करके यूज कर सकते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और बायोडीजल के रूप में इसका प्रयोग स्टार्ट भी हो चुका है। तो इन क्रॉप पर भी हमारा NBPGR जो है रिसर्च करता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या फंक्शंस हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पोटेंशियल एंड यूजफुल प्लांट स्पीसीज फ्राम डिफरेंट क्लासेस एंड इवेल्युएटिंग टेस्टिंग फ्राम द एक्लिमेटाइजेशन ऑफ लोकल कंडीशन। इसका मेन काम क्या है कि जो यूजफुल प्लांट स्पीसीज हैं अलग अलग स्थानों पर, उनको टेस्टिंग के लिए वहाँ लोकल एरिया में डिफरेंट कंडीशन में को टेस्ट करते हैं कि वहाँ ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। टू कलेक्ट इवेल्युएटेड एंड कंजर्व जर्म प्लाज एक्सेप्टिंग रीजनल क्रॉप्स ऑफ द इम्पोर्टेंस थ्रू द कॉपरेशन ऑफ NBPGR रीजनल स्टेशन। तो वहाँ जो रीजनल स्टेशन हैं, वहाँ कुछ स्पेसिफिक क्रॉप होती हैं, उनके जर्म प्लाज को भी कंजर्व कलेक्ट करने का काम करते हैं। टू ब्रीड न्यू वेराइटी थ्रू द अप्रोप्रिएट क्रॉप इम्प्रूवमेंट रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइज। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तहत नई वेरायटी भी डेवलप करने का काम करते हैं। देयर प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी थ्रू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। और नई नई जो तकनीकी हैं फसल की सुरक्षा के लिए वो भी विकसित करते हैं। पॉपुलराइजेशन ऑफ सच अंडर यूटिलाइज क्रॉप न्यूअर एरिया बिसाइड टेकिंग अप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज थ्रू द फ्रंट लाइन ऑन द फार्म डिमोस्ट्रेशन। एवरी अवेलेबल मोड इज मोड यूज इंक्लूडिंग टेलीविजन रेडियो न्यूज़पेपर। तो हम देखते हैं कि जो टेलीविजन और रेडियो न्यूज़पेपर हैं उनके स्तर पर भी इसको पॉपुलर करने का काम करते हैं। पॉपुलराइजिंग दीज क्रॉप्स यूजिंग द यूनिक न्यूट्रिशनल एंड स्पेशल एट्रीब्यूट एज इनिशिएटिव। और अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले चीज़ों को डेवलप किया जाता है, जैसे कि पहले हमारा जो पोटैटो था वो डायबिटीज के लिए सभी एक होता था। अब वर्तमान समय पोटैटो की बहुत सारी वैरायटी हैं जो डायबिटिक लोग भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह के दूसरे फ्रूट्स भी हैं जो डायबिटीज के लिए अवेलेबल। प्रॉपर्टीज एंड न्यू थ्रेस्ट एरिया कलेक्शन इंट्रोडक्शन करेक्टाइजेशन इवेल्युएशन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस स्टोरेज जर्मप्लाज्म इन द इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन क्रॉप्स फॉर अनएक्सप्लोर्ड एरिया। ये इसका मेन काम है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर यूनिक जर्मप्लाज्म लाइन ऑफ अंडरलाइन क्रॉप्स। अगर कोई नई हमें जर्मप्लाज्म मिलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने का काम ही करते हैं उसके डोनर के नाम से, और फिर उसको स्टोर करते हैं। डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी इन द सिलेक्टेड अंडरलाइन क्रॉप इकोनॉमिक वैल्यू। और जो हमारी वैरायटी है बहुत सारी उनकी यील्ड पावर को बढ़ाने का काम भी ये करते रहते हैं। डेवलपिंग पैकेज ऑफ कल्टिवेशन प्रैक्टिस स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम। पॉपुलराइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज एंड न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज थ्रू अप्रोप्रिएट एडाप्टिव ट्रायल फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन एफर्ट्स। तो नई नई जो स्पीसीज डेवलप करते हैं, नई वैरायटी बनाते हैं, उसको अपने जो इनका रिसर्च सेक्टर होता है वहाँ पर फार्म होते हैं जहाँ पर ये प्रदर्शन करते हैं, किसानों को दिखाने का काम करते हैं, रिसर्च स्कॉलर को, शोधार्थियों को भी वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे नई वैरायटी बनती है और उनको पॉपुलराइज करने में, लोगों के बीच ले जाने में सहायता मिलती है। और बाद में किसानों को फ्री ऑफ कास्ट फीड देकर उसको हम पॉपुलर कराते हैं और उससे प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। इनिशिएटिंग रिसर्च वर्क ऑन न्यू प्लांट स्पीसीज सुटेबल फॉर एडवर्स सॉइल कंडीशन सच द मार्जिनल लैंड्स मार्सी एंड वाटर लॉक्ड सॉइल साल्ट अफेक्टेड लैंड एंड अदर कैटेगरी ऑफ वेस्ट लैंड। वैल्यू एडिशन टू द अंडरलाइन क्रॉप्स डेवलपिंग डेटा बेस ऑन लोकल वैल्यू यूज एंड एग्रोनॉमिक नीच ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्रॉप। तो ये सभी काम करते हैं। NBPGR का एक अपना हर्बेरियम है और उस हर्बेरियम में बेसिकली बाकी प्लांट्स नहीं लेकिन जो हमारे कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं उन सब का वहाँ पर प्रिजर्वेशन किया जाता है। द हर्बेरियम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली आल्सो नोन एज नेशनल हर्बेरियम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इसका जो निक नेम एक्रोनिम है NHCP ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट प्लेसेस अमंग 25 मेजर इंडियन हर्बेरिया। तो इससे रिलेटेड पूरे इंडिया में 10 मेजर हर्बेरिया है, उसका हेडक्वार्टर जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन जो है वो दिल्ली में रखा हुआ है। NHCP लिस्टेड द इंडेक्स हर्बेरियम विच इज द ग्लोबल डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक हर्बेरिया इन डिफरेंट रीजन्स होलम ग्रीन एंड होलम ग्रान 1988 द होल्ड्स सिग्निफिकेंट कलेक्शन में कल्टिवेटेड टैक्सा एंड वाइल्ड रिलेटिव क्रॉप प्लांट्स बीट रिलेटिव बोथ नेटिव एंड एक्जोटिक ओरिजिन ऑफ टैक्सा पोटेंशियल वैल्यू इन PGR प्रोग्राम।
बहुत सारे टैक्सा ऐसे प्लांट का स्पेसिमेन में रखे हैं जो हमारे बीट थे वो क्रॉप प्लांट्स में यूज हो रहे हैं, या हमारे यहाँ के नेटिव हैं या विदेशी हैं, और उसकी जो PGR वैल्यू बहुत अधिक है उन प्लांट्स का भी कलेक्शन किया गया है। तो नेशनल एल्बेरियम NVPGR बिसाइड्स सीड कार्पोलॉजिकल सैंपल इकोनॉमी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रिलीवेंस सर्विस एज कॉम्प्लीमेंट्री कलेक्शन NHCP इज इनिशिएटेड टू सर्व एज रेफरेंस कलेक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमिक स्टडी फॉर द टीचिंग। तो यहाँ जो मेन कलेक्शन रखा गया एल्बेरियम का, उसके द्वारा मेन काम है कि क्रॉप प्लांट को आइडेंटिफाई करना और टीचिंग में उसकी हेल्प ली जाती है। इट डिफर इन द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द जनरल हर्बेरिया अक्रॉस द कंट्री इन द रिप्रेजेंटेटिंग वाइड रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी इन क्रॉप प्लांट डिपिक्टेड एज कैप्टिव प्रिमिटिव टाइप्स डेंड्रस टाइप वाइल्ड सेमी डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ क्रॉप वाइल्ड। तो ये जो नॉर्मल हर्बेरिया है उनसे ये डिफर है। CWR BD टाइप्स आल्सो पोटेंशियल स्पीसीज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया अंडर वेरियस PGR प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसी वाइल्ड स्पीसीज हैं जिनको हम अपने खाने पीने में अपने डोमेस्टिक यूज में यूज करते हैं, लेकिन उनको हम इस क्रॉप फार्म में कल्टिवेट नहीं करते, उनका भी जर्म प्लाज्मा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। इन एडिशन हर्बेरियम स्पेसिमेन एक्जोटिक टैक्सा इंट्रोड्यूस अंडर द वेरियस रिसर्च प्रोग्राम लोकल फ्लोरा ऑफ दिल्ली बीट फ्लोरा बाउचर स्पीसीज ऑफ वेरियस रिसर्च आर रिप्रेजेंटेटेड। रीजनल सेंटर ऑफ NVPGR जो बता चुके हैं, अंकोला महाराष्ट्र में है, भवाली उत्तराखंड में है, कटक उड़ीसा में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, जोधपुर राजस्थान, शिलोंग मेघालय, रांची झारखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, त्रिशूर केरला, सी नंबर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यह मैप में देख सकते हैं रीजनल सेंटर्स की लोकेशन किस तरीके से है। यहाँ पर हम स्टेट वाइज देख सकते हैं, विकास अल्मोड़ा में उत्तराखंड में स्थित है, CSK HPKV पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है, RARI दुर्गापुर जयपुर राजस्थान में है, JU जूनागढ़ गुजरात में है, CO कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, GKBK US बंगलौर कर्नाटका में है, जोराहाट में है। तो इस तरीके से डिफरेंट के हमारे लोकेशन स्थित है हमारे। अब हम बात करते हैं कि इनकी स्थापना कब कब हुई। तो हम बात करते हैं जो हमारा रीजनल स्टेशन है शिमला हिमाचल प्रदेश में, इसकी स्थापना 1960 एट पगौली शिमला मैंडेट द स्टेशन कलेक्शन एवोल्यूशन करेक्टराइजेशन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेट क्रॉप। तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली जितनी क्रॉप्स हैं उन सबका जर्म प्लाज्म यहाँ पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेशन हमारा जोधपुर राजस्थान में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी काजरी में। तो काजरी वहाँ पर है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी के कैंपस में ये वहाँ पर स्थापित किया गया है। अंडर टेक्स एक्सप्लोर एवोल्यूशन एंड सीड इंक्रीज फॉर द एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ एरिड सेमी एरिड जोन्स, वहाँ पर सेंटर पे बनाया गया है। त्रिशूर केरला स्टिमुलस इन 1977 रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ जर्म प्लाज्म सोल्यूशन पेनिसुलर रीजन विद द पर्टिकुलर एपिसाइसिस एंड स्पीसीज प्लांटेशन। तो वहाँ पर केरला में जो वहाँ का लोकल स्पीसीज है वहाँ की उनको कलेक्शन रखा गया। तो वहाँ की जो कुछ आम की स्पीसीज जो आपके सामने रखी गई हैं, वहाँ पर एक यूनिक टाइप की स्पीसीज आम की होती है। हमारे यहाँ आम जो आता है बेसिकली वो फरवरी टू जुलाई सीजन होता है, लेकिन वहाँ पर जो सीजन होता है बेसिकली वो सितंबर टू मार्च सीजन होता है। तो डिफरेंट एक ही देश में तो डिफरेंट टाइम में क्रॉप्स हमारी वहाँ पर ग्रो करती हैं, हम देख सकते हैं। NVPGR अकोला महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लोरिंग महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा दमनदीव फॉर जर्म प्लांट कलेक्शन। इट आल्सो अंडरटेक एवोल्यूशन मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स सिचुएटेड इन द सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू और उसके आसपास के एरिया में जो कल्टिवेशन होता है उसका ये जर्म प्लांट का जर्म कनेक्ट करते हैं। NVPGR शिलोंग मेघालय नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, इन्वॉल्व इन द कलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर जर्म प्लाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम एंड पार्ट ऑफ द सदर्न नॉर्दर्न बंगाल। वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में जितने प्लांट्स होते हैं उन सबका जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उनका जर्म प्लाज कंजर्व जाता है। NVPGR भवाली जो हमारे सबसे नज़दीक स्थित है उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है
और बरेली से लगभग 100 किलोमीटर के अबाउट पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ जा सकते हो। यहाँ पर बेसिकली सिट्रस है और यहाँ रसिया वगैरह का भी जर्म प्लांट, क्रॉप प्लांट के एग्रीकल्चर प्लांट पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही यूनिक स्पीसीज मिलती है, जौ की, गेहूँ की, सिट्रस। तो बेसिकली सिट्रस पर ज़्यादा काम करते हैं और जिरेनियम पर यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन हाउसेज भी हैं। इस्टेब्लिश इन 1985, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोरिंग करेक्टराइजेशन इवेल्युएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड सब टेम्परेट रीजन। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत स्टेशन है, यहाँ मैं भी जा चुका हूँ कई बार। एनवीपीजीआर कटक उड़ीसा इस्टेब्लिश इन 1985, सीआरआई कैंपस। सीआरआई क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी कैंपस में इसकी स्थापना की गई है। द मैंडेट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ ईस्टर्न पेनिसुलर रीजन, मेन एम्फसाइज ऑन द राइस। तो यहाँ पर बेसिकली जो राइस की बहुत सारी वेराइटीज हैं, यूनिक वेराइटी हैं, उनका जो स्टोर किया जाता है। एन वी पी जी आर हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस्टेब्लिश 1985, इंगेज इन द स्पीडी रिपीटेशन ऑफ पेस्ट पैथोजन फ्री मटेरियल एज वेल एज क्वारंटाइन क्लियरेंस ऑफ जर्म प्लाज्म, अंडरटेकिंग एक्सप्लोरेशन इवोल्यूशन सीड इंक्रीज फॉर एग्री हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरिया। वहाँ पर इस चीज़ को वो कंट्रोल है। एन वी पी जी आर रांची इस्टेब्लिश इन 1988, अ सेंटर फॉर इवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लाज्म ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स अदर फील्ड क्राफ्ट बिहार ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल वो कंट्रोल करते हैं। वहाँ पर जो ईस्टर्न एरिया में जितनी चीज़ें हमारी होती हैं, फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उन सब का जर्म प्लाज्म यहाँ पर स्टोर रहता है। तो रांची बेसिकली लीची के लिए जाना जाता है, लीची रिसर्च सेंटर भी वहाँ पर स्थित है। एन वी पी जी आर श्रीनगर जम्मू कश्मीर स्टिमुलस 1988, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोर कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हार्टिकल्चर जर्म प्लान फॉर टेम्परेट क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर। वहाँ पर हार्टिकल्चर है, वहाँ के रीजनल स्टेशन हैं, वहाँ पर जर्म प्लान कलेक्ट करते हैं। ये हमारे रीजनल से जो एक नेटवर्क तैयार करते हैं और वहाँ जर्म प्लान रीजनल के साथ साथ वहाँ से जितना भी कलेक्शन जर्म प्लान का होता है वो हमारे दिल्ली जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ भी उनको स्टोर किया जाता है। दिल्ली जो हमारा एम ई पी जी आर, वहाँ क्राउड प्रजर्वेशन, वहाँ प्रजर्वेशन की जितनी भी फार्म है, चाहे टिश्यू कल्चर फार्म हो, सीड फार्म में हो, एम्ब्रियो फार्म में हो और क्राउड प्रजर्वेशन, सभी तरीके की सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल है। प्लांट जेनेटिक ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसके हम बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर बी पाल साहब का है, जिन्होंने इसकी नींव रखी, हम कह सकते हैं कि जो एन वी पी जी आ रहा है इसकी स्टार्टिंग उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के द्वारा लगभग की गई है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पी जी आर एक्टिविटीज इन इंडिया वर इनिशिएट अर्ली एज अर्ली 1910, यानी 1910 में स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर बी पाल ने। हु वाज देन इन्वॉल्व इन द स्पोरेडिक कलेक्शन ऑफ द वीट जर्म प्लाज्म, और उन्होंने जर्म बीट के जर्म प्लाज्म को सबसे पहले स्टोर करने का काम स्टार्ट किया। लेटर डॉक्टर हरभजन सिंह हु इज द क्रिएटेड द गिविंग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ डिसिप्लिन ऑफ जर्म प्लाज्म एक्सप्लोरेशन कलेक्शन मेंटेनेंस इन इंडिया, और डॉक्टर हरभजन सिंह ने उनके काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया और उन्होंने डिफरेंट लोकेशन से जो हमारा कलेक्शन था उसको मेंटेन किया और इंडिया में दूसरी जगहों से भी कलेक्शन किया। पी जी आर इंट्रोड्यूस एक्सचेंज प्रोग्राम सिस्टमेटिक मैनर स्टार्टेड 1946, इनिशिएशन द प्लांट इंट्रोडक्शन स्कीम इन द बॉटनी डिवीजन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, और फिर उन्होंने जर्म प्लाज्म एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया कि आप हमें अपना जर्म प्लाज्म दें, हम आपको देंगे, और फिर उसके द्वारा नई नई वेराइटी तैयार कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये काम जो था पूसा में, यानी कि ARI के जो बॉटनी डिपार्टमेंट डिवीजन था उसके द्वारा 1946 में स्टार्ट किया। इट वॉज फर्दर स्ट्रेंथ इन टू फुल फ्लैट प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उस समय PIEO 1956 में स्थापित हो गया था और उसको पूरी तरीके से काम एक्टिवेट हो गया था। विद द सेटिंग अप नंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए थे क्रॉप इंप्रूवमेंट के, एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंट्री जर्म प्लाज्म एक्टिविटी इंक्रीज मैनफोल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेडेड टू द इंडिपेंडेंट डिवीजन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन इंडिया, और धीरे धीरे बहुत सारा कोऑपरेशन चलने लगा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलोबोरेशन हो गया था, और फिर 1961 में प्लांट प्रोडक्शन का एक
IRA में एक नया अलग स्वतंत्र डिवीजन स्थापित किया गया था। नमोरस कंट्रीब्यूट मेड ऑफ डिवीजन अंडर द स्टीवरशिप ऑफ डॉक्टर हरभजन सिंह लीड टू प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिव डीलिंग विद द PGR एक्टिविटीज इन द जीन रिच कंट्री। हरभजन सिंह की लीडरशिप में प्रपोजल बनाया गया था कि जो हमारा जो कल्टिवेटेड प्लांट्स है के जर्म प्लाज्म का जो है जेनेटिक जर्म प्लाज्म का जो है एक अलग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए स्थापित किया गया था। 1976 द प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन फंक्शनिंग यूनिट एज इन IRI बाज रियाइज टू स्टेटस इंडिपेंडेंट। 1976 में जो सेल्फ मतलब फ्री एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की घोषणा करी गई थी और उसी के बाद कहा गया था नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद इसका नाम पड़ गया नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR इन 1977 में NBPGR बन गया। यानी कि कह सकते हैं जो NBPGR के नाम से स्थापना जो हुई थी वो 1977 में हुई थी लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1910 में हो चुकी थी। NBPGR थ्रू इट्स वेरियस इन क्रिएशंस हैज प्लेड अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सिग्निफिकेंट रोल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन इंडिया थ्रू आउट इट अंट्रीफाइंग इफेक्ट्स अगुमेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिजिनस एंड फॉर्म एक्जोटिक सोर्स। तो जो नई स्पीसीज वैरायटी बनाते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेशन पर ग्रो कराते हैं, जहाँ पर ये अच्छी होती है वहाँ पर भी ये कराते हैं और बाकी चीज़ें एक्सपेरिमेंट चलती रहती है। तो नई नई वैरायटियाँ बना के क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं। विद इनहांस PGR मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल एट द नेशनल लेवल एंड NBPGR बार ऑर्गेनाइज फाइव डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। तो NBPGR में अपने 5 डिवीजन हैं जिनके द्वारा ये अपने पूजा जर्म प्लाज्म को मैनेजमेंट करते हैं। जर्म प्लाज्म एक्सप्लोरेशन, जर्म प्लाज्म एक्सचेंज, प्लांट क्वारंटाइन, जर्म प्लाज्म एवोल्यूशन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, इन डिवीजन के द्वारा NBPGR मेंटेन किया जाता है। CRP द अंडरलाइज्ड एंड अंडर एक्सप्लोर्ड डिवीजन इनिशिएट 1982 ICR ड्यूरिंग द 6th प्लान विद ऑब्जेक्ट टू द कैरी आउट सिस्टमेटिक रिसर्च ऑन लेजर नोन एज क्रॉप फ्यूचर AICPR ऑन द मेडिसिनल एरोमेटिक फंक्शन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ बाज एक्सप्लोर्ड रेवन सेंटर। बाद में इसके अंदर एक और डिवीजन बनाया गया था मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का, वो भी इसी का हिस्सा था। उसके बाद उससे जुड़े हुए 11 सेंटर स्थापित किए गए थे। वेरियस क्वारंटाइन एक्टिविटी प्रीवियसली कैरीड आउट IARI लेटर बिकम ऑपरेशनल इन ब्यूरो द AICRP ऑन गौर लेटर नेम्ड AI एरिड लेगूम्स। इनिशियली 6 प्लेन ऑपरेटेड थ्रू द ब्यूरो ड्यूरिंग द पीरियड प्लांट एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन एक्टिविटी वर फर्दर सिस्टमाइज्ड आफ्टर क्रिएशन द डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ ब्यूरो। इसके लिए एक अलग कलेक्शन और उसके लिए अलग डिवीजन बनाया गया। 1976 to 1984 बोथ मल्टी कार्प रीजन स्पेसिफिक क्रॉप स्पेसिफिक सर्वे वर अंडरटेकिंग। जर्म प्लाज्म इवोल्यूशन एक्टिविटी अर्लियर कैरीड आउट प्लांट प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ IARI फ्यूचर सिस्टमाइज क्रिएशन ऑफ जर्म प्लाज्म इवोल्यूशन डिपार्टमेंट 78। इस तरीके डिफरेंट डिवीजन मैनेज होता है, कंट्रोल करता है, अपना कार्य को अंजाम देता है। इवेल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट वर कैरीड आउट ब्यूरो स्पायर फ्राम एज वेल एज रीजनल स्टेशन। तो ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको इवेल्युएट करता है, उनकी स्टडी करता है और फिर उनको रीजनल स्टेशन पर उनके जर्म प्लाज्म को कलेक्ट भी करता है। द एसोसिएशंस मेंटेन द फील्ड कलेक्शन टिल स्टोरेज फैसिलिटी वर इंस्टॉल्ड एट NBPGR हेडक्वार्टर्स। विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो 3 मोर रीजनल स्टेशन अकोला सिलोंग एंड त्रिशूर वर एडेड फॉर द मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन क्राफ्ट सिचुएटेड सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रीजन। 1996 to 2005 स्पेस मार्क्ड पीरियड सम इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ NBPGR रिलीजिंग नीड करेक्टराइजेशन ऑफ इंडिजिनस डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट कंट्री जेनेटिक रिसोर्स। ICR एस्टेब्लिश नेशनल रिसर्च सेंटर DNA फिंगरप्रिंटिंग एट NBPGR दिसंबर 95। यानी कि 1995 में
पीजीआर में फिंगरप्रिंटिंग का काम भी स्टार्ट हो गया। डीएनए फिंगरिंग का उसका नेशनल सेंटर वहां पर स्थापित किया गया। इंडो यूएस आईडी प्रोजेक्ट कम टू कंप्लेंस सितंबर 1976 बट प्रियोर दिस नवंबर 1996 न्यू जीन बैंक बिल्डिंग अलोंग विद मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटी इनॉग्रेटेड मॉडिफाइड इनटू नेशनल जीन बैंक। और उसके बाद 1977 में बैंक की भी जो हमारी थी उसको स्थापित किया गया। द वॉक रिसेंट डेवलपमेंट और उसी समय इंटेक्चुअल आईपीआर का भी स्टार्टिंग हो गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा विश्व व्यापार संगठन था उसके अकॉर्डिंग आईपीआर की स्थापना की गई। इट हैज बिकम इनिशियल डॉक्यूमेंट टू पोटेंशियल वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म जो हमारे अपने जर्म प्लाज्मा वैल्यूएबल उनको पेटेंट कराया गया था वहां पर इसके अकॉर्डिंग चीजें स्टार्ट हो गई। रिलीजिंग नीड रजिस्ट्रेशन फॉर प्लांट जर्म प्लाज्मा हैज बीन कंसीडर्ड एज एक्टिविटी ऑफ अटमोस्ट प्योरिटी द नेशनल इंटरेस्ट हेंस आईसीआर कंस्टिट्यूट प्लांट जर्म प्लाज्मा रजिस्ट्रेशन कमेटी पीजीआर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंशियल वैल्यूएबल प्लांट जर्म प्लाज्मा व्हिच कम टू द फोर्स 1996। और अब इसके बाद जब कोई नया जर्म प्लाज्मा खोजते हैं उसका आपको एनपीजीआर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद उसको हम पेटेंट करा सकते हो तो उस पर सभी अधिकार होंगे। तो इस तरीके से बाद में एनपीजीआर में चला गया। अ न्यू सेंटर ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एस्टेब्लिश एट जीवीपीटीयू यानी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर कीपिंग पीस विद द रैपिडली एडवांसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवीपीजीआर टेकन द स्टोर बाय द डेवलपिंग एफिशिएंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सिंस एकेडमिक सेशन 1977-1998 ब्यूरो अंडरटेकिंग टीचिंग इन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स लीडिंग एमएससी एंड पीएचडी डिग्री। तो इस तरीके से वहाँ पर 1997-98 के बाद में एमएससी और पीएचडी डिग्री भी आरंभ हो गई और बाद में पीजी स्कूल और आई को नगरी को पीजीआर है और जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं उनका जर्म प्लाज्म स्टॉक करता है उनसे जो इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उसके द्वारा हम सुलझा सकते हैं और आने वाले समय में हमारा फूड फोडर फ्यूल इन तीनों में अहम रोल प्ले करेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एनवीपीजीआर के बारे में। आप लोग भी विभिन्न सेंटर पे जहाँ पे आप जा सकते हैं दिल्ली या भोपाली में आप जाएँ भ्रमण करें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या क्या होता है और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन होते हैं। तो ये आपके जो वनस्पति विज्ञान है उसकी एक कड़ी है इसमें आपने एनवीपीजीआर पढ़ा है और हम आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट में नई इन्फॉर्मेशन।